लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको इस तरह से समझते हैं। इसमें आता है दो टॉपिक, मैग्नेटिक, एक तो आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इफेक्ट सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली फॉर्म हुआ था ओस्टेड, हेंस ओस्टेड के जरिए इसके साइंटिस्ट का नाम था गिवन बाय हेंस ओस्टेड। इन्होंने बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर में हम करंट को पास करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं कंडक्टर में, तो उसके सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जैसे कि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई भी वायर हो, ये कंडक्टर है, इसमें हमने बैटरी को जोड़ दिया, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये करंट फ्लो करेगी, करंट का फ्लो होगा। अब ये करंट क्या करेगी, इस कंडक्टर में या इस वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। मतलब अगर यहाँ पे कोई हम कंपास रख दें, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, जो डायरेक्शन बताने के लिए यूज में आता है। तो मैग्नेटिक कंपास अगर हम यूज करें तो यहाँ पे स्लाइटली डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी यहाँ पे हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा, जिससे हमको पता चलेगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। इससे ऑस्टेड ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, यानी जब भी किसी कॉइल में या कंडक्टर में हम करंट को पास करते हैं तो उसके सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फेनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट इज पास थ्रू कंडक्टर, और इस कंडक्टर में सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जस्ट इसका अपोजिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जैसे हमने कहा जब करंट इसमें पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो उसका अपोजिट भी सही है। इसका पता लगाया था माइकल फैराडे ने ये बताया था कि जब भी हम किसी कंडक्टर में, और कंडक्टर किस फॉर्म होगा, कॉइल के फॉर्म में, अभी बताता हूँ कॉइल किस लिए होता है। जब भी किसी कॉइल के फॉर्म में जो कंडक्टर होता है उसमें हम जैसे ही कोई उसके पास मैग्नेट को रिलेटिव मोशन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझना ये कॉइल है, यहां पे हमने एक बल्ब लगा दिया ताकि हमको पता चले, इसका एक्सपेरिमेंट यही है कि यहां पे हमने एक मैग्नेट लिया नॉर्थ साउथ पोल, ये बार मैग्नेट है, मैग्नेट तो कई टाइप के होते हैं, ये नॉर्थ और साउथ पोल इसका मैग्नेट था, बार मैग्नेट था। उसने बताया कि जब भी हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, इस कॉइल के सराउंड में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे मतलब इस मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन देंगे आगे और पीछे करेंगे, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में, क्या होगा,
करंट इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में, वहां ये बल्ब क्या होगा ग्लो करने लगेगा, बल्ब जो होगा वो ग्लो करने लगेगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं कॉइल के सराउंड में, कॉइल के पास कहीं पे भी, तो उस कॉइल में, उस कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगती है और जिससे ये बल्ब जो है, जो इसमें लगा हुआ है, वो ग्लो करने लगता है। तो ये फेनोमेना इसका ठीक अपोजिट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एयर इट इज इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल, यहां पर कर लो इन अ कॉइल, इलेक्ट्रिक करंट इन अ इन ए कॉइल व्हेन एवर इट इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल व्हेन एवर इट इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सिर्फ मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन देने से जरूरी नहीं है कि करंट इसमें जनरेट होगा, ये इससे भी अगर हम इस कॉइल को भी रिलेटिव मोशन दे दें, मैग्नेट को फिक्स रखें, तब भी इसमें क्या होगा करंट का फ्लो हो जाएगा। तो ये दोनों फिनोमेना आपस में अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो हमको पहले ये पढ़ना है। अच्छा, इसका एप्लीकेशन जो है, इसका एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। कहाँ होता है एप्लीकेशन जो इसका है? इलेक्ट्रिक मोटर। और इसका एप्लीकेशन जो है वह इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये कहां पे अप्लाई होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में, और ये अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। उनको ये डिवाइस भी पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, घर इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी डीसी जनरेटर दोनों पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, मैग्नेटिक की इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी फील्ड होती है जहां पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वर्क करता है उस डायरेक्शन में। जैसे ये एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ये एक मैग्नेट है बार मैग्नेट है। इसको क्या किया, हमेशा क्या होता है कि इसके सराउंड में हर तरफ, हर एक प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे कि ये एक बार मैग्नेट है, तो इसके सराउंड में इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इसी से तो इसका मैग्नेटिज्म होता है, जिससे वो अट्रैक्शन और रिपल्सन करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होती है। इसको समझने के लिए ऑस्टेड ने क्या किया, सबसे पहले उसको इसने कार्डबोर्ड पे रखा। कार्डबोर्ड मतलब एक बोर्ड जैसा, जैसे कि ये, इस पे उसने मैग्नेट को ऐसे रख दिया और इस पे आयरन फिलिंग, आयरन के छोटे छोटे पीस, आयरन के छोटे छोटे पीस इस पे डाल दिए। लोहे के छोटे छोटे टुकड़े इस पे डाल दिए। फिर उसने देखा कि उस लोहे के छोटे छोटे टुकड़े ने अपने आप को ऑटोमेटिकली खुद से अरेंज कर लिया इस फील्ड के, जैसे कि इसकी फील्ड थी,
यानी कुछ किस तरह से। इस तरह से ऐसे अरेंज कर लिया इसने। आयरन फाइलिंग फिलिंग्स जो थी वो इस तरह से अरेंज हो गई। कुछ एक पैटर्न दिख रहा है इलेक्ट्रिकल टाइप का, तो वो हाफ ऑफ इलेक्ट्रिकल जैसा दिख रहा है पैटर्न। तो इससे पता चला कि इसका फील्ड पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होता है कुछ सर्कल सर्कुलर टाइप में होता है। फिर उसके बाद उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसका डायरेक्शन कैसे होता है ये तो पता नहीं, पैटर्न की पैटर्न ये इस तरह से दिखा। उसके डायरेक्शन के लिए उसने बार मैग्नेट लिया, ये सब कॉन्स्टेंट नहीं किया था, बार मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। उसने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसकी नीडल मैग्नेटिक की होती जो डायरेक्शन बताती है, पता है पहले से कि जो ऊपर का हेड होता है वो नॉर्थ होता है उसका, और जो नीचे की टेल होती है वो साउथ होती है। तो चूंकि लाइक पोल जो होते हैं, मैग्नेट के बारे में पहले से पढ़ रखा है कि जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इसने मैग्नेटिक कंपास को रखा तो ये एक पैटर्न आया, ये एक डायरेक्शन शो किया उसने। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डॉट लगा दिया उसने, फिर यहाँ पे उसने कंपास रखा, फिर उसने देखा कि कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हल्का सा हुआ नॉर्थ साउथ में, फिर उसके बाद यहाँ पे डॉट लगा दिया, फिर यहाँ पे रखा तो ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन हो गया, फिर यहाँ पे उसने डॉट लगाया, ऐसे डॉट डॉट करते 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 वो यहाँ पे पहुंचा। तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे करते करते डॉट लगा लगा करके उस पर रखता चला गया। तो उसने इसकी जो निडल थी उसने फील्ड का डायरेक्शन बताना शो कर दिया, ये ऐसे वैसे। उस सेम एक्सपेरिमेंट इधर नीचे से भी उसने किया, तो यहाँ पे ऐसे था कुछ साउथ नॉर्थ, फिर ये यहाँ पे रखता तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये एक सर्कुलर शेप का एक पैटर्न आया, और ये इसने जो नीडल का जो हेड था उसने वो इस सर्कल पे लगभग टेंजेंट है, सारा देखो टेंजेंट है। तो ये नीडल जो है इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो ये नीडल का जो नॉर्थ पोल था, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल इसको बोलते हैं, ये सब तो हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है। तो ये जो नॉर्थ पोल था वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन वो शो कर रहा था, यानी ये जो डायरेक्शन था ये ऐसे क्या था, इसी तरह यहां से ऐसे, ये क्या था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा था। कहां से कहां जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के आउटर पार्ट में, जहां आउटर सराउंड में जो है वो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। इधर देखो नॉर्थ टू साउथ, इसी तरह कई पैटर्न इसने ड्रा किए नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ये पैटर्न आया। इससे क्या पता लगा, ये जो डायरेक्शन इसका है वो आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ आता है। मैग्नेट में कभी भी आउटर पार्ट में, मैग्नेट के आउटर सराउंड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनर से कैसे फ्लो करेगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, इसको मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं।